हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NSDC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 14 कंपनी सेक्रेटरी और जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 32,840 रुपये से लेकर 1,14,940 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आवेदन कर सकोगे। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सीनियर मैनेजर F&A के लिए एक वैकेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक वैकेंसी है, वहीं जूनियर ऑफिसर के लिए 12 वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, ग्रेजुएशन या फिर MBA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर मैनेजर F&A के लिए आपके पास CA, कॉस्ट अकाउंटेंट या MBA की डिग्री होनी चाहिए। वहीं कंपनी सेक्रेटरी के लिए इसे एज पर नॉर्म्स ही रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो सीनियर मैनेजर F&A के लिए आपको मिल जाएगी 1,14,940 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको मिल जाएगी 82,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 32,840 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो सीनियर मैनेजर F&A के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और ये सारे की सारी 1 अप्रैल 2023 से पहले तक होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वहीं मोड ऑफ पेमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पर बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 14 मई 2023 तक चलेगी। वहीं अगर आप इस फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम में भरते हो तो आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो है वो 26 मई 2023 से पहले तक पहुंच जानी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।